अस्सलाम वालेकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हमने बनाई है मोज़रेला चीज़, वो भी एकदम आसान करके और वो भी फटाफट बहुत ही आसानी से यूं ही तैयार हो जाएगी आपकी ये मोज़रेला चीज़। तो इसकी वीडियो देख लें आप ये फटाफट। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए 2 लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है हमारा, भैंस का दूध है। 2 से 3 टेबल स्पून वाइट विनीगर डाल देते हैं, इसको हल्का सा हिलाते हैं और ढक के छोड़ देते हैं हम आधे घंटे के लिए। सर्दी का मौसम है, अभी मई का महीना है, सर्दी का मौसम है तो आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये देखें, इसको 20 से 25 मिनट हो गई हैं और जैसा हमें चाहिए था, यानी कि हल्का सा ये हमें ऐसा दिख रहा है। इस वक्त क्या करते हैं हम, फ्लेम को चालू कर देते हैं और स्लो फ्लेम पर रख दिया है हमने इसको। ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि मई का महीना है तो ये जल्दी से हो गया है, तो एक बार हमने इसको खोल के देखा था। स्लो फ्लेम पर हम इसको बहुत ही हल्के हल्के से चलाएंगे। कच्चा दूध लेना है आपको, उबले दूध से मोज़रेला चीज कभी भी नहीं तैयार होती है। इसको 1 ही मिनट हुआ है अभी हमें फ्लेम पर रखे हुए, बस हमें इसको इतना गर्म करना है कि ये जो दूध जैसा कलर है बस ये हमारा सारा चीज़ में कन्वर्ट हो जाए और इसका दूध जैसा कलर नहीं रहे। जब तक इसका कलर ऐसा है समझो इसके अंदर अभी हमारी चीज़ बाकी है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता यूं हिलाना है, उबाल नहीं आने देना है। उबाल जितना तेज़ गर्म भी आपको ये नहीं करना है चीज़ बनाने के लिए। उबाल आ गया तो ये आपका पनीर तैयार हो जाएगा, जो बिल्कुल चीज़ नहीं बनेगी और ना ही ये खींचेगा। हल्का सा मैं दूध का कलर बदलने का वेट कर रही हूँ। जरा सा हमने फ्लेम को बढ़ाया है और इसको 3 से 4 मिनट के करीब हो गया है। इतना ही आहिस्ता से हिलाएं जितना आहिस्ता से हम हिला रहे हैं और अब लग रहा है इसका पानी ऐसा होने ही वाला है। ऐसा होते ही फौरन से हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इस पॉइंट पे मैंने वीडियो भी कट नहीं की है क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। दूध का कलर बदलने लगा है ये देखें, बस फ्लेम को बंद कर देती हूँ। पहले ही बंद कर दिया है मैंने हल्का सा कलर बदलने से भी पहले ही, ये देखें। इससे ज़्यादा आप इसको नहीं पकाएं। इसकी मैं एक और पहचान बता दूं कि ये कितना गर्म है। आप इसमें उंगली डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें उंगली डाल के छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ सकते, यानी कि इतना ये गर्म है। तो मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। तो इतना गर्म ये होना चाहिए कि आप उंगली डाल सकें, लेकिन इसमें उंगली नहीं रह पाए। हर किसी के पास थर्मामीटर नहीं होता है इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ। इसको एक जगह यूँ इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हाथ से कस के निचोड़ते हैं और इसको इससे पानी से अलग करते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देते हैं पानी के अंदर। और ये देखें, हमने बस इसको यूँ चम्मच से थोड़ा सा यूँ किया है, जो हाथ नहीं अभी हम लगा सकते हैं इसलिए इसी पानी के अंदर बस यूं करके एक जगह इकट्ठा किया है। जैसे ही इसमें हाथ डालने जैसा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसको टच कर पा रहे हैं, बस हमें क्या करना है, इसको यूं हाथ से दबाना है और इसके अंदर जो पानी है बस उसको हमें यूं निकाल देना है। ये देखें, अभी भी गर्म है ये। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह से निचोड़ते रहेंगे। ये देखें, अब यहाँ से पानी नहीं आ रहा है, यानी कि ये अच्छे से निचड़ गया है। अब हम इसको एक बार धो लेते हैं इस पानी के साथ, बस यूं डालते हैं और इसको यूं कर लेते हैं और इसे भी हल्का सा यूं निचोड़ देते हैं। एक बढ़िया सी आवाज़ आ रही है इसमें, ये देखें। अब हमें क्या करना है, अच्छे से इसको निचोड़ के इस वक्त हम इसको कद्दूकस करेंगे या कट करेंगे तो ये कट नहीं होगी चीज़ हमारी। इस तरीके का एक और प्याला ले लेते हैं, इसको इसके अंदर रख देते हैं। आप इसको इस वक्त कोई भी शेप देना चाहें तो यूं दे सकते हैं, चकोर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको गोल ही रहने दूंगी। तो इसको एक प्याले में रख देते हैं, एक छोटा प्याला लेते हैं, ऊपर से इसको यूं करके ढक देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप इसको किसी भी रैप में रैप नहीं करें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी, फूल लग जाएगी, इस पर फफूंदी आ जाएगी। इस तरह से रखते हैं हम इसको और दिखाते हैं पूरे 2 दिन के बाद आपको इसके स्लाइस करके
और ग्रेट कर दें। ये देखें, इसको फ्रिज में रखे हुए 8 दिन हो गए हैं। 3-4 बार हमने क्या किया है, ये ऊपर का जो बॉल है इसको यूं निकाल के और इसके अंदर जो ये पानी है इसको यूं साफ किया है, बस और कुछ नहीं। और फिर से वापस से इसको यूं करके कवर कर दिया है। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं इसको चीज को, तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसको करते हैं थोड़ी सी ग्रेट, थोड़ी सी के करते हैं स्लाइस और दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी लाजवाबी हमारी मोजरेला चीज तैयार हुई है, थोड़ी हार्ड भी हो गई है, कितनी अच्छी दिख रही है ये। तो हम हाफ यहां रख देते हैं और हाफ को हम ये ले लेते हैं ग्रेटर और इससे ग्रेट करते हैं। हल्का सा दबा के यूं करते हैं इसको ग्रेट और थोड़े से हम इस तरह से कट कर लेते हैं। किसी भी शेप में आप ये स्लाइस काट सकते हैं, इनकी भी जरूरत पड़ती है तो इसको भी आप काट के इस तरह से रख सकते हैं और बस इससे कोई भी डिश बना सकते हैं आप मोजरेला चीज से फटाफट। मोजरेला चीज है, होममेड है। तो ये हमारी मोजरेला चीज जो ये हमने ग्रेट की है, इसको आप किसी भी थैली या जिपर के अंदर करके फ्रीजर में छोड़ सकते हैं 2 मंथ के लिए। जब यूज करनी हो तो आप उसको निकाल लें और बाहर रख दें और इस तरह की हो जाए तो उसको यूज कर लें, स्लाइस वाली इस तरह से और ये वाली भी। ट्रांसपेरेंट रैप के अंदर लें और इसको चारों तरफ से चढ़ा के फ्रीजर में छोड़ दीजिए। तो जरूर बनाइए हमारे तरीके से, जायका दिल्ली 6 के तरीके से मोजरेला चीज जरूर बनाएं। और बचे दूध से कैसे बनाएं उसके लिए भी वीडियो देखें, इसी चैनल पर अपलोड है। जरूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।